नमस्कार, क्लिक के बाद आपका स्वागत है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बैतूल जिले भर में जगह जगह तिरंगा शान से लहराया। पुलिस परेड ग्राउंड बैतूल में भी गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में कलेक्टर विजय आनंद कुल के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पुलिस होमगार्ड, एनसीसी और स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक परेड प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा परेड को सलामी देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश पढ़कर सुनाया गया। पूरी निष्ठा से कोशिश की है आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए। हमने मजबूत हो रही है यह कुशल वित्तीय प्रबंधन और दूरगामी नीतियों का ही परिणाम है कि विगत दो वर्षों से हमारी विकास दर देश की औसत विकास दर से अधिक बनी हुई है। राज्य सरकार कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों की कर 1% करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। मध्य प्रदेश अकेला राज्य है इस पर समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस के रूप में गेहूं के लिए 100 रुपए एवं धान के लिए 50 रुपए प्रति क्विंटल की राशि दी गई। उद्यान की फसलों के रकबे में 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की 3 साल योजना पर अमल शुरू हो गया है। गौ संवर्धन के लिए दलित पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू कर दी गई है। हाल ही में शीतलहर और पाले के प्रकोप से प्रदेश में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। फसल नुकसान 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। आगे राहत के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी राज्य सरकार मुहैया कराएगी। मित्तल ने तथा ऋण राशि के 1 वर्ष का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही दूसरे वर्ष ब्याज जो 12% की दर से चुकाना होता है 3% के दर से ही लेने का फैसला लिया गया है। एनसी साहूकारों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण को शून्य करने संबंधी कानून बनाने जा रही है। किसान की जमीन की नीलामी ना हो इसके लिए भी वैधानिक उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में 2013 तक गांव में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदान के लिए 4,150 करोड़ रुपए के खर्च से फीडर विभाजन का कार्य प्रगति पर है। अपने शौर्य और शस्त्र प्रदर्शन करते हुए अपने साहस
का परिचय अपनी ही सबसे पहले इन्हें आर के अहिरवार, उसी के बाद होंगे विक्रम ब्रह्म, अजय तिवारी, जेपी भावरकर, कुमारी धनेवरी। तो उन्होंने याद किया था कि शांति का वो संदेश, अहिंसा का वो संदेश देश की परिकल्पना है, जो देश ने कभी साम्राज्यवाद की नीति को नहीं माना, जो देश ने भाईचारे को वही स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा व्यायाम प्रदर्शन एवं देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए पुलिस परेड ग्राउंड बैतूल में व्यापक तैयारियां की गई थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में शासकीय, अर्धशासकीय एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों में रोशनाई की गई थी।